माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, कल मैंने आपका एबीपी न्यूज पर आपने जो संवाद आपका था, जो आप संवाद चल रहा था, वो मैंने आपका सुना कि जो है हमने 68,500 की वैकेंसी निकाली, लेकिन यूपी में योग्य शिक्षक ही नहीं थे, तो हम जो है कहाँ से शिक्षा मतलब देते उनको जॉब। तो महोदय, आप सर्वे सर्वा हैं, आप एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, मालिक हैं आप, आपको अधिकार है, आप कुछ भी बोलें, किसी को भी रखें, किसी को भी हटा दें, आपके हाथ में पावर है, आप मुख्यमंत्री हैं, बोल सकते हैं, इस समय आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आइए जरा मेरे साथ, आप अब जरा थोड़ी देर के लिए जमीनी स्तर पर आ जाइए। महोदय, जनवरी में जियो आया 68,500 में, मैंने भी अप्लाई किया था, मैं शिक्षा मित्र हूँ, डॉक्टर दीपशिखा नाम है मेरा, डबल एमए कर चुकी हूँ, पीएचडी कर चुकी हूँ संस्कृत में, बीएड कर चुकी हूँ मैं। एक शिक्षा मित्र की जॉब की वजह से पूरा फ्यूचर मेरा बर्बाद हो गया, बर्बाद नहीं हुआ, होने भी नहीं दूंगी, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप जरा जमीन इस पर आ जाइए, 67 कट ऑफ थी जनवरी में, 40-45 हमारा जो मन था पढ़ाई में पूरी तरीके से लगा हुआ था कि हम अपने जो है नंबर लाने हैं पूरे 67 से भी ज्यादा हम लगे हुए थे। महोदय, सब्जेक्टों में कमी तो नहीं करी आपने, 14 सब्जेक्ट रखे थे, पूरे 14 सब्जेक्ट है 68,500 में। महोदय, सिलेबस उठा कर भी देख ले करो कभी कभी, और मेरी बात सुनो, पूरी जी जान से मेहनत करी, पढ़े हम, मार्च में आके एग्जाम कैंसिल हो गया, तोर मत गया, एग्जाम कैंसिल होने के बाद में मई में आपका बयान आता है कि 30-35 कट ऑफ कर दी हमने, 30-35 कट ऑफ का आपका बयान आ गया। महोदय, शासनादेश भी आ गया, अब आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बात को पत्थर की लकीर मान लिया हमने, क्या गलती कर दी हमने। उसी हिसाब से महोदय हमने पढ़ाई करी, हमारा मानसिक स्थिति भी हमारी वही बन गई कि चलो पास तो हम हो ही जाएंगे, सब्जेक्ट भी ज्यादा थे, लोड भी ज्यादा थे, फिर एग्जाम कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, इस वजह से मानसिक संतुलन भी खराब हो गया। और महोदय, आपको एक बात पता है, शिक्षा मित्रों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी थी पढ़ाई के लिए, उसके बावजूद भी 14 सब्जेक्ट की तैयारी करी थी, हमारे बीटीसी भाई बहनों ने भी तैयारी करी थी, कितने कम उम्र के बच्चे हैं सबने तैयारी करी थी, शिक्षा मित्र भी जी जान से लगे रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया है, अब तो 30-35 कट ऑफ हो गई, ठीक है, जी जान से लगे रहे। हमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद महोदय हमारे 30-35 कट ऑफ के हिसाब से, यानी कि 150 में से 49 नंबर ही तो लाने थे, हमारे महोदय 14 नंबर ज्यादा आए हमारे, हम आराम से तैयार थे क्या हमारा हो जाएगा। उसके बाद कुछ हमारे होशियार भाई साहब जाते हैं और जो है रिट डाल आते हैं कि साधना देश जनवरी वाला 40-45 पर हुआ था, वही साधना देश जारी करवा कर ले आते हैं और जो है रिजल्ट जो है निकलवा लेते हैं 40 और 45 के हिसाब से। अब हम पास हो रहे हैं 67 पे, 67 के हिसाब से 2-4 नंबर कम रह गए। अब बहुत सारे बच्चों के इतने नंबर कम रह गए, क्या इसमें आप स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते? क्या आप अपने बयान को जिम्मेदार नहीं मानते कि किसी को 15 किलोमीटर दौड़ा के और फिर उससे कह दो अरे रुक भाई 20 किलोमीटर पर पाता तू तो 15 किलोमीटर दौड़ा है? ये तो आप उससे पहले बताते कि 20 किलोमीटर पर पास हूँ मैं, वो तो अपने घर से जूस पी के आता, काजू बादाम खा के आता, और आप मुख्यमंत्री हो के इस तरीके का बयान दे रहे हो, उसके बाद में 20 दिन बाद एग्जाम ले रहे हो, 2 महीने बाद जो है रिजल्ट ले रहे हो 67 पे, कौन सा तरीका है? देखिए महोदय, मेरी बात सुनिए, 30-35 हो या ना हो, आगे कुछ जो भी आप एग्जाम निकालो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए आप इस तरीके की कोई बयानबाजी मत करना जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। आपने 27,000 बच्चों के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया। 68,500 वैकेंसी थी, 1,15,000 फॉर्म भरे गए थे, बच्चों को पूरा यकीन था कि हमारा सबका हो जाएगा, सीटें खाली जा रही हैं, रख लो सीटें अपने पास, हमें ना चाहिए सीटें। लेकिन आगे से मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एग्जाम से 20 दिन पहले आकर कुछ बयानबाजी कर दें और 20 दिन बाद आकर कुछ बयानबाजी कर दें। मोदी साहब ने कहा था मेरे उसमें है का संकल्प पत्र में, 3 महीने के अंदर अंदर शिक्षा मित्रों को पक्का कर दूंगा। हमने दबादम मोहर लगाई पुल पे कि चलो भाई अब मोदी भाई साहब कह रहे हैं जो है पक्का कर देंगे हैं, और आपने तो महोदय 2 महीने में अपना बयान पलट दिया, आपने 2 महीने में अपनी बात से छू हो गए।
कौन सा तरीका है, बच्चे सड़कों पे पिट रहे हैं, बच्चे सड़कों पे पड़े हैं, और ऊपर ऊपर से आप ये कह रहे हो कि योग्य शिक्षक नहीं है, एक शिक्षा मित्र पीएचडी है, है? आपने क्या स्थिति कर रखी है, है? क्या स्थिति कर रखी है आपने? अपनी तरफ को नहीं देखते, दूसरों को कहना बड़ा आसान होता है। उठवा लीजिए मुझे मेरे घर से, उठवा लीजिए मुझे, मैंने आपके विरोध में बोला हूँ बोली हूँ, जो आपको मन में आए वो कर लीजिए, और क्या? और आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है? क्या 120 वालों के 48 नंबर, किसी के बेचारे के 100 नंबर हैं, तो किसी के बेचारे के 30 ही नंबर रह गए? कैसे कॉपी चेक करवाई आपने? मेरे खुद में होते 70 से ऊपर नंबर है, मैंने खुद पीएनपी में अपना ड्राफ्ट जमा कर रखा है। खुलवाइए मेरी कॉपी, देखिए मेरे नंबर कितने नंबर है मेरे, 67 से ऊपर नंबर ना निकले तो बात है, जम के धांधली चली है, जम के पैसा चला है, क्या तरीका है? और ऊपर से एक अशोभनीय बात आपने कल कह दी, जी फुक गया आपकी इस बात से, बिल्कुल गलत बात है आपकी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे आप 30-33 कट ऑफ करें या ना करें, वैसे तो आपको अपनी बात का मान रखना चाहिए कि 41,500 वैकेंसी आप ले चुके, जो 67 के हिसाब से बच्चे आए हैं उन्हें आप ले चुके, अब आपको कट ऑफ गिरा के बच्चों की भर्ती लेनी चाहिए, तो 27,000 बच्चे आपको लेने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप अपने शब्दों का मान नहीं रख रहे हैं, तो आगे से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है डॉक्टर दीप चिखाता, कि आप आगे से कोई भी इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाए, ये आपकी गलत बात है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुने और मेरी बात को समझें, मैं चाहती हूँ, आपकी बहन आपसे चाहती है कि आप अपनी बात को सुने, अधिकार है मुझे आपसे ये बात कहने का, आप मुख्यमंत्री हैं, मुझे अधिकार है कि आपसे मैं ये बात समझाऊं कि आगे से आप इस तरीके की कोई बयानबाजी ना करें। अगर आप 95,000 पद या 444 पद निकाल रहे हैं, 95,444, तो आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए और बच्चों को तैयारी करने दीजिए, और प्लीज जो नियम स्टार्टिंग में बनाए आप वही नियम लास्ट तक चलने दें। जब आपकी नहीं चलती तो बोलते क्यों हैं आप, जब कोर्ट की चल रही है तो कोर्ट को बोलने दो, आप बोलते क्यों हैं? आपने पूरा दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया, ऊपर से रही सही कसर आपने कल पूरी कर दी। महोदय हमारी किस्मत में होगी नौकरी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन वोट भी हमारे हाथ में है, ऐसी बात नहीं है, हमारा जी फूक दिया। आरएसएस से हूँ मैं, आईटीसी ओटीसी ट्रेंड हूँ, पूरा खानदान मेरा आरएसएस से है, शाखा लगाता था मेरा भाई, लेकिन महोदय अब आरएसएस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल बीजेपी को न वोट करने का, न किसी से कहने का कि तुम वोट करो इस पार्टी को। मेरा आपसे मुख्यमंत्री जी विनम्र निवेदन है कि आप अपनी शब्दों का प्रयोग अपने पद के अनुसार करें, और अगर आप चाहें वाले जी मुझे घर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलूंगी जो सच है। आपने गलती करी है और आपको यह गलती अपनी स्वीकार करनी चाहिए, सामने से आके आपको 30-33 कट ऑफ लागू करनी चाहिए और बच्चों को बचे हुए पदों पर भर्ती देनी चाहिए। आपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, सुन ले एबीपी न्यूज वाले, सुन ले अग्निहोत्री जी, सुन ले मेरी बात को, कि एक मुख्यमंत्री ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। न मुख्यमंत्री जी 20 दिन पहले आकर बयान देते, न बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब होता, बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते। आपके भी घर में बच्चे हैं अग्निहोत्री जी, एबीपीएस वालों के घर में भी बच्चे हैं, प्रभात कुमार के भी बच्चे हैं, सुत्ता सिंह के भी बच्चे हैं, संजय सिन्हा के भी बच्चे हैं। अगर उन बच्चों से ये कह दिया जाए कि परीक्षा में आप पास 50 नंबर पे हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो उन बच्चों से ये कहा जाए बेटा 70 पर पास थे, 50 ही रह गए, ऐसी तैसी हो जाएगी माँ बापों की, माँ बाप भी ये सोचेंगे क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ में। सर आपने गलत किया, बहुत गलत किया, पर अब आप बच्चों पे लाठी पिटवा रहे हो, डंडों से पिटवा रहे हो, क्या गलती है बच्चों की? श्रीमान जी मेरे शब्दों पर गौर करना, भले ही कट ऑफ गिराना गिराना, लेकिन जमीर से जरा सोच कर देखना कि मैंने जो बात कही है वो सही कही है या गलत कही है। धन्यवाद, थैंक यू।